अल्ट्रा भक्ति चैनल पर आपका स्वागत है और नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और बेल वाले बटन को दबाना न भूलें। ओंकार संपूर्ण जगत के प्राणियों की भक्ति भावना, सद्भावना और लोक कल्याणकारी भावना का मूल आधार हूं। मैं ओंकार शिव निंदा द्वारा पार्वती को विचलित करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु पार्वती क्रुद्ध होकर उन्हें तुरंत वहां से चले जाने के लिए कहती है। उसके कठोर तप को देखकर जया विजया भी व्यथित होकर महारानी मैना को सूचित करती है। मैना पुत्री के दुख से पीड़ित होकर उसे लौटाने का विचार करती है, किंतु हिमालय राज उसे रोक लेते हैं। पार्वती के कठोर तप से उठती ज्वालाएं स्वर्गलोक में तारकासुर और असुरों को तापित करती हैं। सभी डर कर भागते हैं, किंतु देवराज इंद्र व देवगण अभी तक चिंतित व भयभीत हैं। जब नारद उन्हें बताते हैं कि स्वर्ग का सिंहासन रिक्त है और असुर पलायन कर गए हैं, तो देवगण प्रसन्न होते हैं। देवराज इंद्र की जय हो। स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की जय हो। स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की जय हो। स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की जय हो। बधाई हो देवराज इंद्र, बधाई हो। आपके पुनः सिंहासन आरूढ़ होने पर बहुत बहुत बधाई। स्वर्ग आप ही के लिए और आप स्वर्ग के लिए बने हैं। सदा स्वर्गाधिपति रहो, कल्याण हो, कल्याण। मुनिवर, इस हो चुके कल्याण में संपूर्ण योगदान देवी पार्वती का है। उन्हीं के जप तप पुण्य और प्रताप से हमें ये आज शुभ दिन देखने का सौभाग्य मिला है। सत्य कहा आपने, हम सभी देवी पार्वती के आभारी तो है ही, परंतु हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि स्वर्ग की पुनः प्राप्ति में परमपिता ब्रह्मा जी का भी योगदान है। महातपस्विनी देवी पार्वती की जय हो। परमपिता ब्रह्मा जी की जय हो। परमपिता ब्रह्मा और माता सरस्वती को पृथ्वी के वटवृक्ष निवास के पश्चात पुनः ब्रह्मलोक में एक साथ देकर आंखें धन्य हो गई। शब्दों का मायाजाल मत फैलाओ नारद, अपने आने का प्रयोजन प्रकट करो। नारायण नारायण, मेरे आने का प्रयोजन स्पष्ट है परमपिता। सप्त ऋषियों और देवी अरुंधति ने देवी पार्वती के सम्मुख भगवान शिव की घोर निंदा की, उन्हें अपमानजनक शब्द कहे, फिर भी देवी पार्वती अपने तप से विरक्त नहीं हुई। क्यों, इसका क्या कारण है परमपिता? यदि देवी पार्वती का तप उग्र से उग्रतर हो गया तो नारद, तो नाम के इस प्रश्न ने जन्म अवश्य लिया है, किंतु इसका उत्तर अभी जन्मा नहीं है और न ही भविष्य में इसके जन्मने की कोई संभावना है। तुम अपनी समस्या के समाधान के लिए इतना समझ लो कि शिव और शक्ति की लीला स्वयं ब्रह्मा नहीं समझ सके हैं, तो उनका मानस पुत्र नारद भला कैसे समझ सकता है। नारद, तुम्हें न तो भ्रमित होना चाहिए न भयभीत। समय से पूर्व तो प्रलय भी नहीं आएगा, इसलिए पार्वती का तप उग्र तप सफल होकर अशुभ नहीं शुभ परिणाम लाएगा। परमपिता, इस तप और लीला की अंतिम सीमा क्या है? नारद, पार्वती का यह लौकिक तप शक्ति की अलौकिक सीमा से संबद्ध है। अर्थात शिव इस समय पार्वती की परीक्षा ले रहे हैं और ऐसी परीक्षाएं एक सूत्र तक की सीमा पर ही समाप्त होती है।
अर्थात जब शिव पार्वती का विवाह निर्विघ्न में संपन्न हो जाएगा तभी स्थिति सामान्य होगी। नारायण नारायण। परमपिता, लगता है स्थिति मात्र सामान्य ही नहीं सर्वमान्य हो गई है। देवराज इंद्र अपने सभी देवगण सहित स्वर्ग पर अपना अधिकार प्राप्त कर गीत संगीत नृत्य और हर्षोल्लास में मग्न हो चुके हैं। ये असामान्य स्थिति है नारद। अभी तो इन देवताओं की परीक्षा भी शेष है। आश्चर्य है, इतनी कठोर स्थिति से निकलकर आए देवताओं को क्या अभी और परीक्षा देनी होगी? माता, कितने समय पश्चात वे सुख की सीमा में आए हैं? क्या सुख की अवधि इतनी सीमित होती है? सुख स्वयं के साथ और सुविधा की सामग्री बन जाए तो उसकी अवधि सीमित होती है। वो सुख का पल्लू भी दुख की मुट्ठी में कसा हुआ होता है। हाँ, यदि उस सुख की दिशा जन कल्याण की ओर उन्मुख हो जाए तो उसकी अवधि बढ़ जाती है। माता, क्या ये भी शिव शक्ति की लीला के कारण होता है? शिव शक्ति की लीला कहो अथवा प्रकृति का नियम, किंतु होता ऐसा ही है। समय आने पर देवताओं को भी इस सत्य का ज्ञान हो जाएगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। सब त्रिशि और देवी अरुंधति भी लौट आया। सब लौटे तो हैं देवेश्वर, किंतु असफल होकर। हमने देवी पार्वती के सम्मुख आपकी भरपूर निंदा की, किंतु उन पर किंचित मात्र भी प्रभाव नहीं हुआ। आपकी निंदा उनसे नहीं सुनी गई। हमारे मुख से आपकी निंदा सुनकर उनकी भाव भंगिमा कठोर हो गई भोलेनाथ। हम उनके मन में आपके प्रति विकर्षण उत्पन्न नहीं कर सके। उल्टे आपकी निंदा करके उनके मन में हमारे प्रति विकर्षण उत्पन्न हो गया है। सत्य तो ये है भोलेश्वर कि उन्हें हमारी बताई हुई बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ। वे तप करना नहीं त्यागेंगी देवेश्वर, वे अपने उद्देश्य पर अटल और अचल हैं। उनका विचलित होना सर्वथा असंभव है। हमें दुख है कि आपकी निंदा का पाप हमने जिस प्रयोजन से किया वो पूर्ण न हुआ। आपकी निंदा के दोष से हमें आत्मग्लानी का कष्ट भोगना पड़ रहा है भोलेनाथ। चिंता न करें ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ, मेरी निंदा का कार्य तो मेरे द्वारा ही प्रायोजित कार्यक्रम था। सत्य तो यह है कि आपने मेरी निंदा नहीं की, उसे करने का नाटक मात्र किया। हम सबकी आपसे यही विनम्र प्रार्थना है भोलेश्वर कि आप देवी पार्वती के तप का प्रतिफल उन्हें देते हुए उनकी साधना को सफलता की स्वीकृति प्रदान करें। हाँ देवेश्वर, सफलता की स्वीकृति से देवी अरुंधति का अभिप्राय विवाह की स्वीकृति से है। यदि देवी अरुंधति और आप सभी सप्तऋषियों का यही आग्रह और निर्णय है तो मैं इसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ। मैं स्वयं देवी पार्वती के पास जाकर उन्हें इस निर्णय से सूचित करूंगा। आप देवी पार्वती को सूचित कर उन्हें हर्षित कर देंगे, किंतु उनके माता पिता बहुत समय से तप में निमग्न अपनी पुत्री के लिए चिंतित हैं। उनकी चिंता दूर करने का उपाय भी आपको ही करना है प्रभु। ये कार्य और दायित्व मैं आप सभी को सौंपता हूँ। हमारी ओर से आप सभी
हिमालय राज और मैना रानी के समक्ष जाकर पार्वती से हमारे संबंध की चर्चा करें। अब तो हमारा देवी पार्वती के पास जाना सार्थक हो गया प्रभु। हाँ भोलेनाथ, हम उनसे भेंट करने इसी समय प्रस्थान करेंगे। कब मिलेगी शिव की स्वीकृति और कब समाप्त होगा पार्वती का तप? तब तक क्या मैं पुत्री वियोग में ऐसी तड़पती रहूंगी? नहीं, सर्वथा नहीं। क्या प्रयोजन है पुत्री के लिए ऐसी तपस्या का कि उसकी माता को पीड़ा पहुंचाती है? ऐसा भी क्या हट जो माता के लिए संकट का कारण बन जाए? क्या तुमने उसे बताया नहीं कि तेरे तप के कारण तेरी माता कितनी व्यथित है? अनेक बार बताया महारानी, बार बार उद्बोधन करने पर भी वो हट त्यागने को तैयार नहीं है। महारानी तैयार नहीं है? तो वो अपना हट नहीं त्यागेगी। मेरी पुत्री अपना हट नहीं त्यागेगी, पर मैं तो उसकी माता हूं ना। मेरा हट तो उसके हट से भी अधिक हटीला होगा। अब मैं भी अपने हट पर अडिग रहूंगी और पार्वती का विवाह शमशानवासी बैरागी शिव के साथ कदापि नहीं होने दूंगी। कदापि नहीं होने दूंगी, कदापि नहीं होने दूंगी। होने देना अथवा ना होने देना, यदि प्राणी के वश में होता तो इस जगत का रूप ही विकृत हो जाता। होने देने अथवा ना होने देने की शक्ति प्रकृति और विधि ने स्वयं अपने हाथों में रखी है। स्वामी, मैंने केवल इतना कहा कि मैं महारानी मैना को किसी कारण से क्रोधित नहीं होने दूंगी, क्योंकि वो धन्य भाग है मेरे। आप सभी के पावन व पुण्य चरणों से हिमालय भवन पवित्र हो गया। मेरा सादर विनीत प्रणाम स्वीकार करें ऋषिगण एवं देवी अरुण। कल्याण भव। पधारे ना, आसन ग्रहण करें। मेरा मन कहता है कि आप सभी पुण्य आत्माओं का हमारे यहाँ आगमन अवश्य ही किसी मंगलमय कारण एवं कार्यवश हुआ है। अवश्य, आपका अनुमान तो सत्य है। हिमालय राज, महारानी मैना कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही, उन्हें बुलवाइए ना। हाँ हाँ देवी, अवश्य। पर जब तक वे आए तब तक आप शुभ संदेश तो सुनाइए। आपकी उत्सुकता उचित है हिमालय राज, किंतु आदर्श परंपरा यही है कि शुभ संदेश पति पत्नी दोनों को सुनाया जाता है, अकेले पति को नहीं। कितनी कल्याणकारी परंपराएं हैं हमारे यहाँ। स्वर्णा जी महाराज, अपनी स्वामिनी से कहो कि देवी अरुंधति एवं अन्य सप्तऋषिगण आए हैं, आकर उनके दर्शन लाभ ग्रहण करें। जी हिमालय राज, आपके श्रीमुख पर जो मुस्कान है उसके पीछे हमें चिंता की रेखाएं भी स्पष्ट दिखाई दे रही है। आप विषयों का अनुमान सत्य है, हम दोनों ही चिंतित हैं। चिंता का कारण? हमारी पुत्री पार्वती। वो तो तपस्या में लीन है, चिंता का कारण वो कैसे हो सकती है? यही तो हम दोनों की चिंता का विषय है। हमने पार्वती को बहुत समझाया, किंतु वो अपने हट पर अडिग है, तब त्यागने को तैयार ही नहीं होती। आप क्यों चाहते हैं कि वो तब त्याग दे? तब तो जीवन के मार्ग को सरल सुलभ व सुखी बनाता है, उज्जवल भविष्य का निर्माण करता है। पर यदि पार्वती की तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न न हुए तो परिणाम क्या होगा? तब का परिणाम क्या नहीं शुभ होता है हमारे राज। तो क्या हमारी पार्वती का तप सफल हो गया? हाँ, भोलेनाथ की कृपा होगी तो उनकी तपस्या सफल ही समझिए। देवी अरुंधति और पूज्य ऋषि श्रेष्ठ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। कल्याण भव।
महारानी मैना, हम सभी कैलाश से भगवान सदाशिव और आपकी पुत्री कुमारी पार्वती के विवाह का प्रस्ताव लेकर आए हैं। आप अपना विचार कहिए। इस विषय में मेरा कुछ कहना क्या उचित होगा? मेरा विचार तो आप सुविधा अनुसार विचार करें। यदि आप चाहें तो कुमारी पार्वती से इस विषय पर चर्चा कर लें। यदि आपने शिव पार्वती के विवाह को स्वीकार कर लिया तो समझ लीजिए कि शिव जी ने भी स्वीकार कर लिया, क्योंकि इस जगत में जो कुछ भी होता है वो शिव जी की इच्छा अनुसार होता है, और शिव जी की इच्छा सदा कल्याणकारी होती है। अब हम प्रस्थान करेंगे। कल्याण भव। कहो मेरा रानी, अब कहो अपने मन के विचार जो उनकी उपस्थिति में नहीं कह सकते। स्वामी, आप भली भांति जानते हैं कि मैं इस विषय में क्या कहूंगी। जानता था मैं नारायण, किंतु देवी अरुंधति व सप्त ऋषियों द्वारा भगवान शिव शंकर के विवाह के प्रस्ताव के पश्चात तुम्हारे विचारों में कुछ तो परिवर्तन आया होगा। कैसा परिवर्तन? कहां का परिवर्तन और क्यों होगा परिवर्तन? स्वामी, मैं इस बात को मानती हूँ, पर आप इस सत्य को नहीं जानते कि पार्वती शिव शंकर के साथ कभी सुखी नहीं रह सकती। मैना रानी, बहुत सी मान्यताएं ऐसी हैं जिन्हें हम मानते अवश्य हैं, पर वे सत्य नहीं होते, और बहुत से सत्य ऐसे हैं जिन्हें हम ना जानते हैं ना ही मानते हैं। स्वामी, आपकी ये ज्ञान पूर्ण और गूढ़ बातें मेरी बुद्धि से परे हैं। मैं तो केवल इतना जानती और मानती हूँ कि एक राजकुमारी का एक भभूतधारी से विवाह कभी सुखकारी नहीं हो सकता। कहाँ महल में पलने वाली पार्वती और कहाँ शमशान में भ्रमण करने वाला। महारानी, देवऋषि नारद की भविष्यवाणी को आप नकार नहीं सकती। उन्होंने कहा था कि पार्वती का विवाह भगवान शिव शंकर के साथ ही होगा, और रही सुख की बात तो जग में कोई भी माता पिता अपनी पुत्री के भाग्य लेख में केवल सुख का लेखा नहीं लिख सकते। स्वामी, सुख का लेख तो नहीं लिख सकते, पर उसके सुखी जीवन के लिए अपने आशीर्वाद और मंगल कामनाओं से इच्छा और प्रयत्न तो कर ही सकते हैं। उतना तो हम कर ही रहे हैं मैना रानी, और करेंगे भी। देवऋषि नारद की भविष्यवाणी, देवी अरुंधति और सप्तऋषियों का आगमन इस विवाह की पुष्टि में समर्थन करते हैं। नैना रानी, उचित यही होगा कि हम दोनों भगवान शिव शंकर के पास चलकर उनका आभार मानते हुए इस विवाह को स्वीकार करें। चलो देवी, आओ चलो।